कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारे जो है क्या हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ और मोहम्मद मैं शफी। मतलब और देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। मुझे लगता है खुद जाएंगे। ओ यार, ओ ओह यार,
देव। आप बहुत शांत हैं। हाँ वत्स, उसका कारण सर्वप्रथम तो ये कि हम इस क्रौची की व्यथा से भावना में बह गए और हमने जो क्रोध किया वो तपस्या के नियम के विरुद्ध है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था। सब प्राणी अपने अपने कर्मानुसार फल भोगते हैं। क्रौची ने अपना फल भोगा, विराज उसका फल भोगेगा। फिर भी मैंने जो उसे श्राप दिया कि तुझे नित्य निरंतर कहीं शांति ना मिले, यह अनुचित ही था। कितना भयंकर श्राप था। मां निषाद प्रतिष्ठान पर अगमा शाश्वती समा यक्रौच मिथुनादेकम् अवधीह काम मोहितम्। भारद्वाज जी गुरुदेव, देखा तुमने, सुना तुमने? क्या गुरुदेव? देखो, मेरी जिह्वा से श्राप रूप में जो वाक्य निकला है वो चार चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में आठ आठ अक्षर बराबर बराबर है। इसे लय पर गाया भी जा सकता है। अतः ये वचन श्लोक बनकर छंदबद्ध काव्य रूप हो गया है। इसका अर्थ है कि इस सृष्टि का पहला काव्य होगा अवश्य। प्रणाम ब्रह्मदेव। बिल्कुल यार, एक काफ़ी एक सैर था, क्योंकि अब देखना महर्षि महर्षि बार गए हैं, वाल्मीकि जी बार गए हैं, तो उन्होंने जब ये चीज़ें देखी हैं तो उनसे पहले तो बहुत एक अच्छा प्यारा माहौल वो देख रहे थे कि वो परिंदे भी खेल रहे थे, अपना खुश थे। लेकिन ये कि जब वो एक शिकारी आया ना, उसने ये काम किया, तो तब काफ़ी ज़्यादा वो एक परेशान भी हुए और उन्होंने बोला कि ये ऐसा इन्होंने क्यों किया। तभी उनसे उनके मुंह से एक इतना ख़तरनाक श्राप निकला है, और वो भी जिसको मिला ना वो भी एक बार तड़पने लग गया। ऐसे उसके साथ चीज़ें होने लग गई हैं। नहीं, बाकी एक तो सबसे बड़ा भाई, एक उसने कि वो उधर मतलब कि नहीं करना चाहिए था, कि पक्षी बेचारे इतने प्यार से बैठे थे दोनों, लेकिन उसने आकर एक गलत काम किया। शायद इसमें भी कुछ एक और चल रहा हो, क्योंकि एक वो श्राप देना चाहते थे या फिर भी जो भी था ना, लेकिन एक पक्षी एक को उसने तीर मारा है और दूसरा बेचारा उधर ही मतलब कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे ही है, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि बाद में वो उनको एक इस चीज़ के ऊपर पछतावा हो रहा है, या उनको वो कह रहे हैं मुझे नहीं श्राप देना चाहिए था, क्योंकि हर एक ने अपना अपना एक भुगतना है, जो जो मतलब है उस हिसाब से। लेकिन ये कि आप देखो, ब्रह्मा जी एक वहाँ पे आए हैं
हैं और उम्मीद है कि एक नई एक जो है ना वो कोई एक नई उनकी ड्यूटी सामने आएगी या आगे पता चलेगा कि क्या उनको मतलब नया एक टारगेट देते हैं ये पता चल जाएगा। बिल्कुल, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।